हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और इस कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक एग्जूम चार्जर आया हुआ है। वैसे भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी ही एग्जूम चार्जर का वीडियो अपलोड करा हुआ है, एग्जूम चार्जर का और यूटीएल चार्जर का, ई रिक्शे का कंट्रोलर का, वायरिंग का, ये सभी चीज़ें वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लिंक, वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आप अगर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जो तो ज़रूर करें। दोस्तों देखिए, मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कि यकीन मानिए, अगर रात को 12-12 बजे 1 बजे मैं वीडियो को शूट करता हूँ, टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास कराता हूँ। आपको पता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास कराता हूँ। अगर आपको ई रिक्शे का कोर्स करना है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8931000172, ठीक है दोस्तों। आप इसे भी मुझे कॉल कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में और ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल करने का जो समय है दोस्तों, वो आपके लिए देखिए 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम है, आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें एग्जूम चार्जर आया था है, इसमें देखिए क्या था कि इसमें पानी गया था। पानी जाने की वजह से क्या है, देखिए इसके दोनों मोसफेट चला गया है। देखिए, मैंने मोसफेट इसका निकाल रखा है। मैं इसको ठीक करा के करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखा हुआ। देखिए, इसको पानी यहाँ पे मोसफेट निकाल रखा है और इधर से डायोड भी निकाल रखा है। देखिए, इधर से मोसफेट निकाल रखा है, जिधर से कैपेसिटर लगा होता है उस साइड मोसफेट होता है, और जिस साइड कैपेसिटर नहीं होता है, जिस साइड रिले होता है उस साइड डायोड रखता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को, पॉइंट है। अगर आपको कभी ये भूल जाए कि किस साइड का हमारा मोसफेट था और किस साइड डायोड था, तो जिस साइड कैपेसिटर दोनों बड़े वाला कंडेंसर या कैपेसिटर लगा होता है उस साइड, देखिए लोग कहते हैं कैपेसिटर या कैपेसिटर कह लीजिए जो भी है, उस साइड लगा, उस साइड आपका मोसफेट होगा। जिस साइड हमारा रिले लगा है उस साइड हमारा रिले लगा, जिस साइड उस साइड हमारा डायोड होगा। इसमें पानी, देखिए कभी भी एग्जूम चार्जर में अगर पानी जाता है, इसमें एक नया मॉडल है, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा, अगर एग्जूम चार्जर में कभी भी पानी जाता है तो आपका सबसे पहले इसका मोसफेट जाएगा, ठीक है। देखिए, अक्सर मेरे पास 2 चार्जर हैं इस टाइम, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे एक जम्पर दिखेगा, दो, देखिए जम्पर दिख रहा है, यहाँ पे लिखा होगा J1 और J2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अक्सर आपको यहाँ पे 4148 जीना डायोड और अपना 10 ओम्स का रेजिस्टेंस और आपका यहाँ पे 5.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या है, SMD कंपोनेंट लगे हुए हैं। देखिए, हीट सिंक कंपाउंड निकल गया, देखिए उठा उसको, देखिए इसमें दोस्तों, देखिए ध्यान से दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए इसमें पीछे SMD कंपोनेंट लगे हुए हैं। देखिए देखिए यहाँ पे D2 लिखा हुआ है, जहाँ वो 4148 है, जहाँ पे R10 लिखा है वो आपको मैं बता देता हूँ, R10 का जो रेजिस्टेंस है R10 का 2.5 ओम्स लिखा हुआ है इसका रेजिस्टेंस, जहाँ R2 लिखा है, देखिए R10 लिखा है 5.15 कर लीजिए या 3 ओम्स का कर लीजिए, 10 ओम्स का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 0 ओम का जा, देखिए 0 नंबर का एक रेजिस्टेंस है, ये तो 0 नंबर आपको पता ही है, जम्पर है एक तरह का। यहाँ पे देखिए एक लिखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस R9 लिखा है और R5 लिखा है। देखिए R5 पे जो है वो आपका 5 किलो ओम्स का है और R9 पे 5 किलो ओम्स का है, 5.1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। D1 पे आपको बता दिया, D2 पे 4148, और यहाँ पे भी आपको बता दिया था अभी मैंने कि 3 ओम्स की रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं R6 पे और R10 पे। और ये देखिए J1A लिखा है, J1A लिखा है, ये 0 नंबर की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण थी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए कभी ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो जाता है तो आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं, और कई बार आदमी सोचता है कि हमारा वो बन ही नहीं पाएगा, क्या नाम है, चार्जर बन नहीं पाएगा, और चार्जर बन नहीं पाएगा और काफ़ी दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। तो ऐसा कतई कन्फ्यूजन ना लीजिए, अगर आपको ई रिक्शे का कोर्स करना है
तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको हर रिक्शे से देखिए हार्ड वर्किंग कहते हैं ना लैपटॉप में, हार्ड वर्किंग एंड कहते हैं कि हार्ड वर्किंग और सॉफ्टवेयर कहते हैं ना, शायद ऐसे ही होता है लैपटॉप में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास दोनों ही का कोर्स है सर। कभी आप यूट्यूब में देखिए, मेरे पास क्राउन गियर मोटर का, ब्रेक शू का, हैंडल की बैरिंग का, पहिए की बैरिंग का, एक्सल बार बार टूट रहा है तो इसका क्या प्रॉब्लम है, कमानी का बूश कैसे चेंज करना है, ये सभी चीजें मैं बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से कोर्स के अंदर कराता हूँ सर दोस्तों, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सर लाइक तो जरूर कीजिए। लाइक की आप लोगों की बहुत ज्यादा, आप लोगों से देखिए कुछ मेरे से कुछ नहीं लेना होता, कम से कम एक लाइक तो दबा दीजिएगा। लाइक दबाने से क्या होता है, मेरे को अच्छा लगता है और मेरे को उत्साह मिलता है अंदर से कि आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो मैं बनाते रहूं, अपलोड करूं। तो इतना मेरा काम करते रहिए, और मेरा उम्मीद है कि मेरा जो YouTube परिवार अभी थोड़ा सा ही, मतलब कि ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, एक दिन बहुत अच्छा सब्सक्राइबर होंगे और आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के ऊपर और नए वीडियो पे।